नमस्कार, आप देख रहे हैं कमिंग अप न्यूज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। यह भी शपथ ली है कि वे अपने कर्तव्य एवं सामान्य क्रियाकलापों के दौरान आम नागरिकों एवं सहकर्मियों के साथ शिष्टतापूर्ण व्यवहार करेंगे। आपने जिस परेड का प्रदर्शन किया है उसमें एक रूपता, समानता और लयबद्धता का अनुभव होता है। यह भी दर्शाता है कि आप अनुशासन प्रिय होकर किसी भी हद तक जाकर विधिक आदेशों का पालन करते हैं। यह निश्चित ही एक भव्य परेड है और आपका यह प्रयास प्रशंसनीय है। संस्था के पुलिस अधीक्षक एवं उनकी पूरी टीम को मैं बुरी बुरी प्रशंसा करती हूँ, जिनके कठोर परिश्रम एवं लगन के कारण यह प्रदर्शन देखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। किसी भी व्यक्ति के लिए एक गौरवशाली सेवा से जुड़ना जीवन का महत्वपूर्ण सपना होता है। आप सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि पुलिस सेवा से जोड़कर आप इस स्वप्न को पूर्णता की ओर ले जाने में सफल हुए हैं। देशभक्ति जनसेवा हमारा संकल्प है। आप गौरवान्वित होंगे कि आप इस वर्दी को धारण करने के पश्चात एक ऐसे मार्ग पर प्रस्थित हो चुके हैं जहां आप उच्च कोटि के अनुशासन और कर्तव्य परायणता प्रदर्शित करने हेतु न केवल जन जन की सेवा कर सकेंगे वरन राष्ट्र सेवा की अनुकरणीय मिसाल समाज के समक्ष रख सकेंगे। साथियों, आपके और आपके परिवार के लिए आज एक गौरवशाली दिवस है जब आपने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्पर्श करते हुए भारत के संविधान एवं कानून के राज को अक्षुण रखने का पवित्र शपथ ली है। आज आपने स्वार्थ, संकीर्ण जातिवाद, धार्मिक कट्टरवाद, ऊंच नीच एवं वर्ग समूहों से ऊपर उठकर कानून के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए अपने को जन सेवा एवं जन देशभक्ति के लिए समर्पित किया है। कर्तव्य निर्वहन के दौरान पक्षपात, अकर्मण्यता, भेदभाव अथवा किसी भी प्रकार से अन्याय का साथ देना आपके द्वारा आज ली गई इस पवित्र शपथ का उल्लंघन होगा। पुलिस अधिकारी के रूप में आपके कर्तव्य निर्वहन के लिए आपको भारत के संविधान एवं कानून की ताकत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कानून द्वारा प्रदत्त अपने व्यापक अधिकारों का निष्पक्ष, विनम्र एवं संवेदनशील रहकर निर्वहन करेंगे। आपने सेवा के दौरान आपको नित नई चुनौतियों का सामना करना होगा, चाहे वे अपराध की रोकथाम हो, चाहे विषम परिस्थितियों में कानून व्यवस्था बनाए रखना हो। आपको सदैव यह स्मरण रहे कि आप भारत जैसे विशाल प्रजातांत्रिक देश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा का अंग है। अतः आपको प्रजातांत्रिक अपेक्षाओं के अनुरूप संवैधानिक मर्यादाओं में रहते हुए संयम एवं व्यावसायिक दक्षता से काम करना होगा। यह भी आपको सदैव स्मरण रहे कि पुलिस सेवा जनता की रक्षा और उनके मानव अधिकारियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अतः जनता का विश्वास पुलिस के सफल कार्य निष्पादन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुखबिर के रूप में, साक्षी के रूप में, मददगार के रूप में, फरियादी के रूप में एवं पीड़ित के रूप में जनता का विश्वास पुलिस का कार्य संपादन में अत्यंत आवश्यक है। मैं आशा करूंगी कि आप इस कर्तव्य बोध के साथ अपने संपूर्ण सेवा काल में कार्य करेंगे। आपने कठिन परिश्रम और लगनपूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। इस प्रशिक्षण के दौरान मैदानी पदस्थापनाओं के अंतर्गत आपको आम जनता से जुड़ने का सीधा और प्रत्यक्ष अवसर मिलेगी, जहां आप अपने आदर्श आचरण एवं संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अपनी कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण दे सकेंगे। अपराधों की रोकथाम एवं समाज में सुरक्षा की भावना प्रदान करना हमारा मूल उद्देश्य है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप दृढ़ता, साहस एवं उत्कृष्ट मानव मूल्यों के साथ अपने उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। आप सभी को एवं आपके परिजनों का उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।